बात क्या है ना, जो आप कह रहे हो ना, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि अगर आप रैंक होल्डर हो तो बेटा अपने घर का नाम रोशन करोगे, अपने टीचर्स का नाम रोशन करोगे, अपने पूरे शहर का नाम रोशन करोगे, अपने समाज का नाम रोशन करोगे, राइट? और अगर आप चाहोगे कि नहीं मैम आप क्या मुझे दोगे, तो बेटा मैं एक चीज बता दूं, आज के डेट तक, आज तक नहीं मैं कहूंगी, लेकिन हाँ मैं आपको क्लियरली बता दूं कि रैंक वन केडी कैंपस से होता था। हाँ, एक आध साल से यह बिकने की प्रथा शुरू हो चुकी थी और मुझे पता चल गया था कि अब बिका जाएगा रैंक वन, अब रैंक वन खरीदने वाले बैठे हुए हैं। लेकिन बेटा मुझे नहीं पता था कितने बेशर्मी के साथ कि हम फ्लैट देंगे, हम थार देंगे, हम देखो शुरू तो हो चुका था। जब आईपैड के लिए अगर कोई बिल्कुल नकार दिया कि हमने केडी कैंपस से कुछ नहीं किया है, तो बेटा बाकी चीजें बहुत बड़ी बड़ी चीज है। जैसे पहला ही एक किसी ने ऑफर दिया कि हम 1,00,000 रुपया देंगे रैंक वन वालों को, रैंक टू को 50,000 देंगे, रैंक थ्री को, मैंने कहा कि अब जो रिजल्ट है वो बिकेगा। इसीलिए मेरे पास जो पढ़ रहे हैं बेटा, आपका डेटा मेरे पास है, कहीं भी मैंने कहा आज मेरे स्टूडेंट्स कुछ आज फाउंडेशन टू खत्म हुआ, तो फाउंडेशन टू खत्म हुआ तो कुछ बच्चे थे जो क्लास के बाद रुके, मैंने कहा आ जाओ ऑफिस। ऑफिस आ गए तो मैं उनके साथ आज मैंने काफ़ी अच्छा टाइम बिताया और मैंने उनको एक ही चीज़ कहा, बेटा थार ले लेना, जाके घुमाने मुझे ले चलना, ठीक है ना, एक बार एक राउंड लगा के तुम्हारे थार में आऊंगी, बहुत मजा आएगा। उसने कहा हाँ मैम बस सही है। मैंने कहा कहीं जो जहां दे रहा है, जो दे रहा है सब ले लो, अरे क्यों छोड़ोगे? और ये भी बता दूं एक चीज, कोई मुफ्त का तुम्हें नहीं दे रहा है बेटा, वो छोटे छोटे वीडियोस बना के सब चीजें कर रहे हैं और आप लोगों को देख के वायरल हो रहा है, उनको तो 6 करोड़ का बिजनेस ही मिल जाएगा यहां से, राइट? जिसने आज तक कोई रिजल्ट ही नहीं दिया है उनको 6 करोड़ का बिजनेस ही मिल जाएगा यहां से। तो बेटा ये बिजनेस स्ट्रैटेजी है, होने तो कोई इश्यू नहीं, हम तो पहले से बाजार में बैठे हैं। मेरा कहना है भाई इंग्लिश तुम्हारा ही वीडियो में काट के डाल दूंगी, तुमने कहा था 50 में लेके आया हूं और नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, देखो एक चीज मैं बता रही हूं बेटा, आप कहीं से भी थार ले आना, एक बार मुझे आके एक राइड दिलवाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अपने स्टूडेंट के गाड़ी में घूमने में, इसीलिए और फोटो भी खिंचाऊंगी मैं। फिर मस्त रहो, खुश रहो, जहां से जो मिले अब ले लो, क्योंकि यहां पे पूरा एक सौदेबाजी चल रही है, मार्केटिंग चल रही है। और बेटा कोई आपको कोई फ्री फंड में कुछ नहीं दे रहा है, आपके साथ इतने फोटो खिंचाए जाएंगे ना कि वो थार आप कहीं भी लेके जाओगे तो कहा जाएगा अच्छा ये थार इसको मिला है फ्री में, गिफ्ट में मिला है। दहेज और गिफ्ट सबके नजर में रहता है कि ये गिफ्ट में मिला है, अपनी कमाई का तो नहीं है, बस मजे करो। हाँ मुझे खाली एक राउंड दिलवा देना, क्योंकि ठीक है यार इंग्लिश मेरे से पढ़े हो, इतना तो मेरा बनता है ना हक, है ना, मुझे घुमा के एक राउंड ले आना, नहीं तुम्हारे थार में बड़ा मजा आएगा घूमने में। देखो सब लोग कर रहे हैं बेटा, बात क्या है ना, आप अगर शुरुआत कर दोगे तो अगला तो उसके आगे जाएगा ही। मैंने कहा था ये कहां रुकेगा कुछ पता नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जब पहला ही किसी ने कहा कि मैं 1,00,000 रुपया दूंगा और दूसरा ने आके कहा मैं थार दूंगा, मैंने कहा अब ये बहुत ऊपर जाएगा और ये चीजें इतने लेवल तक पहुंच जाएगी ना कि बस कहां तक जाएगा पता नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए कोई इश्यू नहीं बेटा, जहां से मिलो लपक लो, है ना, तुम्हारे तो वल्ले वल्ले यार, तुम्हें क्या जाता नहीं, हाँ बोलो, आप सीधा कहोगे इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, राइट? चल यार मजे कर, मैंने तो कहा कि भाई थार मैं तो हेलीकॉप्टर दूंगी नहीं, हाँ चल मजाक कर रही हूं, फिर बाद में ये कहूंगा बेटा हेलीपैड बना लो फिर मैं हेलीकॉप्टर दूं तुम्हें, चलो बेटा ये सब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। आपने ये सब बातें यहां कह के मार्केटिंग उनका कर दिया, देखो नहीं सारे प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग कर रहे हैं वो। नहीं आप कहोगे बेटा इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, गाड़ी लो फिर से उड़ो वहां से, मुझे एक राउंड दिलवा देना प्लीज, ठीक है।